हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो ऑप्शंस गिवन होते हैं, जो पहला ऑप्शन होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हेयर ए स्टैंड्स फॉर एसर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो रीजन प्रोवाइडेड है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड लास्ट इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनमें से हमें राइट ऑप्शन ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस आप क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला assertion है, हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल इन आर कंट्री दैट इज इन इंडिया इज नॉट गुड। assertion कहता है कि इंडिया के अंदर लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। रीजन प्रोवाइडेड इज पुअर टेक्नोलॉजी कॉजेज पुअर हेल्थ ऑफ पीपल इन इंडिया। की इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो पुअर है, इसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो पुअर है। ऐसा तो नहीं है ना कि टेक्नोलॉजी पुअर है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में भी तो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, टेक्नोलॉजी भी पूरी मिलती है, तो टेक्नोलॉजी की तो कोई कमी नहीं है। आई थिंक आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एजर्शन। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन जो है वो गलत है। क्यों? पेशेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। अदर कंट्रीज से भी जो है लोग इंडिया के अंदर आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, उन एरियाज में, उन हॉस्पिटल्स में जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए ये कहना तो गलत है कि भाई टेक्नोलॉजी की कमी, टेक्नोलॉजी की तो कोई कमी नहीं है, सब चीजें अवेलेबल है इंडिया के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ इज एच मस डिपेंडेंट ऑन बेसिक अमेनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से ही लोगों की कंडीशन खराब नहीं है, और दूसरी वजह से क्या है, बेसिक अम्यूनिटीज जो है, सोशल कंडीशन जो है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है पुअर हेल्थ के लिए, क्योंकि लोगों के पास में प्रॉपर सैनिटाइजेशन की सैनिटेशन के अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर है, हाइजीनिक सिचुएशन नहीं है लोगों के पास में, हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहते हैं, सोशल कंडीशन जो है वो उनकी पुअर है, नॉलेज नहीं है उनके पास में, एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, तभी लोग कॉन्शियस होकर काम कर सकते हैं इन चीजों के लिए। तो ये चीजें भी जरूरी हैं हेल्थ को सुधारने के लिए, और इनकी कमी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दे, और साथ साथ में हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनमें तो इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट सजेशन इज जेनेरिक मेडिसिन आर चीपर देन अदर मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन सुनते हैं ना कि जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं वो सस्ती होती हैं दूसरी मेडिसिन से। तो रीजन क्या है? जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन इज केमिकल नेम दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द इंग्रीडियंट ऑफ द मेडिसिन। रीजन कहता है कि जेनरिक नेम जो है किसी भी मेडिसिन का, जेनरिक नेम जो है उसके केमिकल नेम होते हैं जो कि उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, कि बताते हैं कि उसमें कौन से केमिकल यूज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जब हमें केमिकल पता चल जाएगा कि कौन कौन से केमिकल यूज हुए हैं, तो हम किसी भी कंपनी की मेडिसिन ले सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कोई ब्रांडेड कंपनी की ही मेडिसिन लें। तो ब्रांड के हटते के साथ ही जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना, तो सस्ती हो ही जाएगी दवाई। तो आई थिंक बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स सी द आंसर।
आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. रीजन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ब्रांड ऑफ मेडिसिन. वही बात है कि ब्रांड हट जाता है और किसी भी चीज के आगे से जब ब्रांड का नाम हटता है तो उसका कॉस्ट रिड्यूस होता ही है. ये सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं है, किसी और चीज के लिए भी हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया या कोई भी आइटम हो गया, उसमें जैसे ही ब्रांड का नेम हटता है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है. ब्रांड का नेम जो है वो प्राइस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना. तो वो ही वही केस है मेडिसिन्स में भी. जेनेरिक नेम पता होने से उसका ब्रांड हट जाता है, कॉमन जो मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं वो जो है पर्टिकुलर बीमारी के लिए, इलनेस के लिए काम कर जाती है, क्योंकि केमिकल तो हमें मिल जाता है ना, जो हमें केमिकल चाहिए वो हमें मिल जाता है. नेक्स्ट असर्शन इज द कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर इज पुअर इन इंडिया. हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर जो है, उनकी कंडीशन पुअर है इंडिया के अंदर. रीजन इज पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स आर रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये तो ठीक है कि भाई पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कराते हैं, गवर्नमेंट का की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को की देखभाल करने की, ठीक है. दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या ये assertion को explain कर रही है? I don't think so. Let's see the answer. Answer is both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Assertion को explain नहीं कर रहा कि हेल्थ केयर सेंटर्स की कंडीशन पुअर क्यों है. तो जो एक्चुअल रीजन है वो क्या है? लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स. कि हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो कम है, एंड बेसिक अमेनिटीज एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एक तो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स कम है और बेसिक अमेनिटीज जो है, जो लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन हो गया, हाइजीनिक एटमोसफेयर हो गया और वाटर फैसिलिटीज हो गई, ये चीजें जो हैं, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर फूड हो गया, ये रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो जाती हैं लोगों की, तो उससे क्या होगा, आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी. जो बीमारियां लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, या हाइजीनिक सिचुएशन की वजह से, या कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आधी बीमारियां तो वैसे ही कम हो गई, तो उसकी वजह से जो रश होता है हॉस्पिटल्स में वो रिड्यूस हो जाएगा. बाकी जो है, अगर नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ केयर सेंटर्स के नंबर बढ़ाए जाएं, ज्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएं, तो उससे क्या होगा कि रश डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना. तो उससे भी जो है सेंटर्स की कंडीशन में सुधार आएगा, क्योंकि अगर एक ही सेंटर है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो सारा रश वहां पर जाएगा ना, तो डॉक्टर्स की उसमें कोई कमी कही जा सकती, क्योंकि डॉक्टर तो बेचारा एक या दो ही होंगे ना वहां पर, और रश होगा ज्यादा, तो वो कहाँ तक सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाएगा, तो वो क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी ही होगी. तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो जो बेसिक एमिनिटीज जो है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की, वो फुलफिल होनी चाहिए, और दूसरा पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स की नंबर इम्प्रूव होने चाहिए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सके, तो उससे जो है कंडीशन में सुधार आ सकता है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा. चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे.